सबसे उन्नत ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये है गुजरात राज्य के राजकोट जिले में बसा हड़मड़िया गांव, जहां पर यहां के प्रगतिशील किसान श्री दिनेश भाई ठूमर ने अपनी 2 एकड़ खेती में लगी कपास फसल के लिए रिवुलिस कंपनी द्वारा स्थापित ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाया है। ये कॉटन जो आप देख रहे हो वो मैंने इस साल 15 जून के बाद मैंने सोइंग किया है और पूरा इरिगेशन सिस्टम रिवुलिस इरिगेशन सिस्टम से ही लगा हुआ प्लॉट है। यहाँ का अनुकूल मौसम और समृद्ध मिट्टी इसे कपास की खेती के लिए एक आदर्श क्षेत्र बनाती है। कपास की पारंपरिक वर्षा आधारित खेती के मुकाबले ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हुए मानसून पूर्व बुआई की जाती है, जिससे कपास के पौधों में कीट का प्रकोप नियंत्रित रहता है और उच्च फसल स्वास्थ्य के साथ पैदावार में बढ़ोतरी तथा गुणवत्ता में सुधार पाया जाता है। कपास की फसल में पौधों की विकास अवस्था मुख्यतः बीज अंकुरण, वनस्पति विकास, फूल उत्पत्ति, गुलर तथा बॉल का विकास और उसकी परिपक्वता, इन चरणों से गुजरते हुए तैयार होती है। इस खेत में उपलब्ध मिट्टी प्रकार के अनुसार लगभग 5 फीट की दूरी पर पूरे क्षेत्र में एकल पंक्ति प्रणाली से कपास की बिजाई की गई है। दुनिया भर में खेती की तकनीकों में इसराइल की एक अलग पहचान है। रिवुलिस की ड्रिप तकनीक भी इन्हीं में से एक है। जमीन के अंदर पानी व हवा का अनुपात उचित बनाए रखने के लिए यहां रिवुलिस D2000 ड्रिप लाइन स्थापित की गई है। इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए एमिटर्स 2 लीटर प्रति घंटा प्रवाह दर से पानी उत्सर्जित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की लंबाई के अनुसार सुचारू रूप से एक समान पानी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 20 मिलीमीटर व्यास वाली D2000 ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया है। वास्तविक ढंग में हमें ड्रिप सिंचाई का उच्चतम फायदा तब होता है जब किसान भाई ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा फर्टिगेशन करता है। इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों को सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में लागू किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी व उर्वरक का इष्टतम उपयोग होता है। उर्वरकों की लागत में उल्लेखनीय बचत के साथ पानी की मात्रा में भी यहां लगभग 50% की बचत हुई है। रिवुलिस इरिगेशन सिस्टम लगाने से मेरा खातर की 50% जितनी कटौती हुई जो, और पेस्टिसाइड में भी कटौती हुई है। पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता था, पहले मैं ओपन से देता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा था, अब हम टाइम में मैं पानी में पूरे फील्ड में दे सकता हूँ। और मेन पावर का जो मेरे को खर्चा, लेबर का जो खर्चा लग रहा था, 50% के आसपास का मेरा खर्चा कम हो गया। कपास की फसल विकास के विभिन्न चरणों के दौरान आवश्यक कार्य हेतु लगने वाले उर्वरक, कीटनाशक और मजदूरी के खर्च में भी बचत पाई जाती है। रिवुलिस ड्रिप सिंचाई के इन फायदों को परखने तथा सुनिश्चित करने हेतु यहां के किसान दिनेश भाई ठूमर ने अपने पड़ोसी क्षेत्र में पारंपरिक सिंचाई के साथ भी कपास की खेती की है। रिवुलिस इरिगेशन सिस्टम लगाने से मेरा प्लांट हेल्दी है और उसका फ्लावरिंग भी अच्छा है और उसके जो बॉयल है वो भी अच्छे है। और जहाँ मैंने मेरे बाजू वाले प्लॉट में मैंने सिस्टम नहीं लगाया, उसका प्लांट आप देखो, जो मैंने सिस्टम नहीं लगाया उस प्लॉट में मेरा पर एकड़ 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होगा, और जहाँ मैंने रिवुलिस इरिगेशन सिस्टम लगाया है उसमें मेरा 20 क्विंटल आसपास 100% मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा। इस खेत में कुएं के पानी से सिंचाई होती है और यह खुला जल स्रोत होने के कारण शैवाल व अन्य जैविक अशुद्धियों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जाने से रोकने के लिए यहां प्राथमिक फिल्टर के तौर पर सैंड फिल्टर का उपयोग किया गया है। इसके अलावा पानी में उपलब्ध मिट्टी व रेतों के सूक्ष्म कणों को रोकने के लिए डिस्क फिल्टर कार्यरत है। आवश्यकता के अनुसार कृषि रासायनिक उपचार के लिए वेंचुरी इंजेक्टर लगा हुआ है, जिससे एसिड या क्लोरीनीकरण किया जा सकता है। रिवुलिस इरिगेशन सिस्टम की जो एसटीएस एक टीम है वो मेरे फील्ड में रेगुलर वो विजिट करते हैं। जो आके मेरा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे रिपेयर करते कर देते हैं और मुझे
जो उसका एसिड ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताते हैं, फर्टिगेशन फिल्टर कब साफ करने का, किस तरह से करना, सिस्टम किस तरह से यूज़ करना, वो सब मुझे यहाँ आके फील्ड में आके वो मुझे समझा के जाते हैं। यहाँ स्थापित फिल्टरेशन यूनिट की पानी छानने की कुल क्षमता 50,000 लीटर प्रति घंटा है। इस क्षेत्र में पानी व्यवस्थापन मन्ना इरिगेशन सॉफ्टवेयर की उपग्रह आधारित सिंचाई तकनीक द्वारा किया गया है। इसमें कब और कितना पानी देना है इसकी जानकारी दी जाती है। रिवलिस इरिगेशन सिस्टम का जो मन्ना सॉफ्टवेयर है जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, जो मुझे कितना पानी देना वो मोबाइल में डेली सुबह में उसका मैसेज आ जाता है कि आज कितना पानी देना है, तो मैं मन्ना सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं ये पानी दे रहा हूँ। इसके हिसाब से मुझे अच्छी क्वालिटी कॉटन की मिल गई है। दिनेश भाई के अनुसार 100% तक की उत्पादकता में बढ़ोतरी को हासिल करते हुए यहाँ कपास की पैदावार में पारंपरिक सिंचाई पद्धति से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के मुकाबले रिवलिस ड्रिप सिंचाई से औसत 20 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार अपेक्षित है। पहले जो मैं ओपन फील्ड से पानी दे रहा था तब इतना क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा था, जो अभी क्वालिटी अच्छा हो रहा है और उससे मुझे क्वालिटी से मार्केट में जो मार्केट में बेचने जाता हूँ तब इसका प्राइस मुझे मार्केट से ज्यादा मिलेगा। यहाँ कपास की खेती में लगी हुई कुल लागत को ध्यान में रखते हुए लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा अनुमानित है। रिवलिस सिंचाई बेहतर कमाई।